बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ईमेल आईडी बनाने के लिए तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उसको डिलीट करने की तो वो चीज वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर ईमेल आईडी को डिलीट कैसे करना है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है और आप भी चाहते हो अपने ईमेल आईडी को डिलीट करना, मुझे नहीं पता किस रीजन से, जिस भी रीजन से आपको अपनी ईमेल आईडी को डिलीट करना हो, तो इस वीडियो में आपको एक फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने ईमेल आईडी को बड़ी आसानी से डिलीट कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको ये इस तरह का प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते देखिए आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको वो सारे ईमेल आईडीज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके फोन में लॉगिन है। तो यहाँ से आपको उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। सेलेक्ट करते ही आपके सामने दोबारा से ये पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा से इस वाले आइकन पे, यानी कि प्रोफाइल वाला आइकन जो दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा होम, उसके बाद आपको मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी, इसी तरह के यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, डाटा एंड सिक्योरिटी, ये वाला सॉरी प्राइवेसी, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी का या फिर जीमेल आईडी का पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड योर डाटा, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट में किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से आप उस डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, जैसे कि मुझे तो नहीं करना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो यानी कि आपको ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, दोनों बॉक्स पे आपको टिक करना है, यानी कि आपको अपना परमिशन देना है, एग्रीमेंट यहाँ पे देना है। तो आपको इस पे और इस पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते आपका जो है अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैड बीन डिलीटेड, यानी कि आपका जो है जीमेल अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है और उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ था वो भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी ईमेल अकाउंट को बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।